कक्षा 11 में डे 74 में अपने और चैप्टर संख्या 6 एमआर की एनर्जी पावर चल रहे हैं। टॉपिक लगभग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट टॉपिक में पहुंच गए हैं, प्रत्यवस्थान गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्मॉली से लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, किसके लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अक्सर पूछ लेते हैं, सीधी सी बात पूछी जाती है, ठीक है मान क्या होगा, प्रत्यास्थ चक्र के लिए, अप्रत्यास्थ चक्र के लिए, पूर्ण प्रत्यास्थ चक्र के लिए वैल्यू होती क्या है इसकी। तो सबसे पहली बात तो है क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ये कि टक्कर के बाद के अपेक्षिक वेग तथा टक्कर से पहले के अपेक्षिक वेगों का जो अनुपात है वही कहलाता है कांस्टेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद और टक्कर से पहले का अपेक्षिक वेगों का अनुपात, अपेक्षिक वेग का मतलब हम पढ़ चुके हैं पहले, अपेक्षिक वेगों का मतलब होता है वेगों का डिफरेंस, ठीक है वेगों का डिफरेंस। अब टक्कर से पहले तो क्या होता है, कण पास आते हैं तो उस समय क्या रहता है, वेगों का अंतर रहता है। टक्कर के बाद में क्या होता है, कण दूर जाते हैं तो उस समय उनके वेगों का अंतर रहता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख देता हूँ मैं थोड़ा शॉर्ट में, कि टक्कर के बाद के बाद कणों के अपेक्षिक वेग तथा टक्कर से पहले कणों की अपेक्षिक वेग का अनुपात प्रत्यावस्थान कहते हैं, प्रत्यावस्थान गुणा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, और इसको ई से लिखते हैं, स्मॉल ई से, ठीक है। ई का जो मान है वो होता है वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, ठीक है। ये वी टू माइनस वी वन क्या है, टक्कर के बाद में अपेक्षिक वेग है, ठीक है। यू वन माइनस यू टू क्या है, टक्कर से पहले, तो वी वन वी टू माइनस वी वन जो है वो है टक्कर के बाद अपेक्षिक वेग, और यू वन माइनस यू टू क्या है, टक्कर से पहले अपेक्षिक वेग, किसके कणों के अपेक्षिक वेग। अब ई का जो मान है ये डिसाइड करते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वी वन माइनस वी टू अपॉन यू वन माइनस यू टू, एक जैसा हो गया ना, तो माइनस बाहर निकाल के इस तरह से भी लिख देते हैं इसको कि वी वन माइनस वी टू अपॉन यू वन माइनस यू टू, ऐसे भी लिखा जा सकते हैं। अब देखो इसके अंदर ई का मान जो है वो क्या होता है, ई का मान सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, ई का मान होता है कंपटीशन में पूछा जाता है, तो E का जो मान है इसका जो आंसर है वो होता है 0 से 1 के मध्य, जैसे लिख सकते हैं 0 से 1 के मध्य, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अगर ये निशान लगा है तो ये देखना पड़ेगा, इक्वल भी होता है यानी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है और इनके बीच में भी हो सकता है। अब जीरो पे क्या होगा और एक पे क्या होगा और इनके बीच में क्या होगा, उसके लिए जीरो पर तो होता है पूर्णतया प्रत्यास्थ चक्र, अगर ई बराबर जीरो होता है, ई बराबर जीरो तो होती है पूर्णतया अप्रत्यास्थ चक्र, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए दोनों तीनों, और ई का जो मान एक होता है तो होती है पूर्ण प्रत्यास्थ चक्र, वैसे प्रत्यास्थ चक्र लिख सकते हैं इसको कि जिसमें ऊर्जा और समय की हानि नहीं होती है, तो पूर्ण ही होती है वो, जिसमें बिल्कुल भी नहीं होती है वो, ई का मान क्या होता है, वन होता है उसके लिए। अब ई बराबर जीरो पर पूर्णतया प्रत्यास्थ चक्र है, ई बराबर एक पर पूर्णतया प्रत्यास्थ चक्र है,
और फिर बात आती है E का मान अगर क्या हो, जीरो से बड़ा हो और एक से छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में जो टक्कर कहलाती है वो कहलाती है अप्रत्यास्थ टक्कर। अब जैसे जैसे E का मान बढ़ता जाता है, जीरो की ओर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अप्रत्यास्थता बढ़ती जाती है। E बराबर एक पर क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है, और E बराबर जीरो पर पूर्णतः अप्रत्यास्थ है। तो हम एक से अगर जीरो की ओर बढ़ रहे हैं, एक से जीरो की ओर, तो क्या बढ़ रहे हैं, हम अप्रत्यास्थ बढ़ रहे हैं, अप्रत्यास्थता की ओर बढ़ रहे हैं। जब जीरो आ जाता है तो यहां हो जाता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ, और उसी स्थिति में क्या होता है वो हमने हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, उस समय कण जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, ठीक है। और जब एक होता है तब होती है पूर्णतः प्रत्यास्थ, उसमें बिल्कुल ऊर्जा की हानि नहीं होती। तो ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में ये बातें पूछ लेते हैं, कंफ्यूजन भी हो जाती है इनमें, क्या किसमें प्रत्यास्थ किसमें अप्रत्यास्थ, जीरो एक के लिए किन के लिए होता है, किसके लिए बंधे के लिए होता है। तो ये बातें ध्यान रखें कि ई का जो मान है वो जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और जीरो से एक के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में ही वहाँ ऐसा मिलता है ये निशान है ही नहीं बराबर वाला, तो फिर यही सही होगा कि जीरो से एक के बीच में होता है, लेकिन जीरो और एक भी हो सकता है, उसके लिए ये स्थिति है। अगर दूसरे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या होता है, और अप्रत्यास्थ के लिए क्या होता है, इनके बीच के लिए क्या होता है, तो उसके लिए तीनों अलग अलग ये कर लें। बाकी बातें हम बाद में अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे बात करेंगे, चैप्टर पूरा हो गया ये।